नमस्कार, विज्ञान प्रौद्योगिकी आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। एक नए अंक के साथ मैं राकेश अंधानिया एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज के अंक में आपको बताएंगे एक ऐसे प्राकृतिक यौगिक के बारे में जो बीमारियों को रोकने में सक्षम है, और साथ में समझेंगे भूकंप की भविष्यवाणियों को लेकर किए गए एक ताज़ा अध्ययन को। विज्ञान जगत की खबरें और भी होगी, लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं इस अंक की सुर्खियों पर। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं का पिकोलिनिक एसिड पर अध्ययन, SARS-CoV-2 जैसी बीमारियों को रोकने में होगा सक्षम। फ्रांस के भूवैज्ञानिकों ने खोजा भूकंप की चेतावनी जारी करने का तरीका, GPS सिस्टम की मदद से किया जा सकेगा पूर्वानुमान। देश दुनिया में विज्ञान जगत की महत्वपूर्ण जानकारियां जानिए साइंस एक्सप्रेस में, और हिस्ट्री ऑफ साइंस में जानिए इतिहास में दर्ज महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियों को। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने मैमेलियन सेल्स द्वारा उत्पादित किए जाने वाले एक प्राकृतिक यौगिक पर शोध किया और पाया कि यह यौगिक SARS-CoV-2 और अन्य रोग फैलाने वाले वायरस को रोकने में सक्षम है। यह यौगिक कौन सा है और यह कैसे कार्य करता है, जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की रिपोर्ट। मैमेलियन कोशिकाओं द्वारा उत्पादित किया जाने वाला एक प्राकृतिक यौगिक पिकोलिनिक एसिड SARS-CoV-2 और इन्फ्लुएंजा ए वायरस जैसे कई रोग पैदा करने वाले वायरस को रोक सकता है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस अध्ययन को सेल रिपोर्ट मेडिसिन में प्रकाशित किया गया है। अध्ययन में इस यौगिक की क्षमता के बारे में बताया गया है, जिसमें वे होस्ट सेल में एनवलप यानी के आवरण वाले वायरस के प्रवेश को बाधित करने के साथ साथ संक्रमण को भी रोकता है। दरअसल पिकोलिनिक एसिड हमारी आंत से जिंक और अन्य ट्रेस एलिमेंट्स के अवशोषण में मदद करने के लिए जाना जाता है, लेकिन अपने प्राकृतिक रूप में ये केवल थोड़े समय के लिए ही शरीर में रहता है और आमतौर पर जल्दी से बाहर निकल जाता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने देखा कि पिकोलिनिक एसिड एंटीवायरल गतिविधि भी प्रदर्शित कर सकता है। इसी कड़ी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं की टीम ने एंडोसाइटोसिस का अध्ययन किया। एंडोसाइटोसिस एक सेलुलर प्रक्रिया है जो अक्सर वायरस और बैक्टीरिया द्वारा हमारी कोशिका में प्रवेश करने की क्रिया होती है। अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि पिकोलिनिक एसिड होस्ट कोशिकाओं में वायरस के प्रवेश को धीमा कर सकता है। खासतौर पर इसने आवरण वाले वायरस के प्रवेश को रोकने की क्षमता को प्रदर्शित किया। दरअसल सभी वायरस में पाए जाने वाले सामान्य प्रोटीन कोट के अलावा आवरण वाले वायरस में एक अतिरिक्त बाहरी झिल्ली भी होती है। ये आवरण वायरस के टारगेट सेल में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण होता है। होस्ट सेल में प्रवेश के दौरान वायरस का आवरण और होस्ट सेल की झिल्ली फ्यूज होकर एक रास्ता बना देती हैं, जिसके माध्यम से वायरस की अनुवांशिक सामग्री होस्ट सेल में प्रवेश कर रेप्लिकेट होने लगती है। शोधकर्ताओं ने पाया कि पिकोलिनिक एसिड इस फ्यूजन को रोकता है। SARS-CoV-2 और इन्फ्लुएंजा के लिए पशु मॉडल पर किए गए परीक्षण में पाया गया कि ये यौगिक जानवरों को संक्रमण से बचाता है, साथ ही संक्रमित पशुओं को दिए जाने पर ये उनके फेफड़ों में वायरल लोड को कम करता है। साथ ही शोधकर्ताओं ने ये भी पाया कि पिकोलिनिक एसिड से जानवरों में इम्यून सेल्स यानी प्रतिरक्षा कोशिकाओं में भी वृद्धि हुई। फिलहाल शोधकर्ताओं का ध्यान इस यौगिक की एफिकेसी यानी प्रभावकारिता, स्थिरता और अवशोषण को बढ़ाने पर केंद्रित है। साथ ही वायरल आउटब्रेक के खिलाफ इस यौगिक के बेहतर उपयोग के लिए शोधकर्ताओं की फार्मास्यूटिकल उद्योगों के साथ साझेदारी की भी योजना है। भूकंप की भविष्यवाणी एक ऐसी पहेली है जिसे वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा पाए। आज भी ऐसी तकनीक या विधि की खोज नहीं की जा सकी है जिससे आने वाले भूकंप का पूर्वानुमान लगाया जा सके। लेकिन हाल ही में फ्रांस के दो भूवैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह दावा किया जा रहा है कि GPS की मदद से भूकंप की पूर्व चेतावनी दी जा सकती है। कैसे, जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की यह रिपोर्ट। भूकंप की भविष्यवाणी करना असंभव है, लेकिन दो शोधकर्ताओं ने इस दिशा में एक बड़ी खोज की है, और अगर वे सही हैं, तो GPS माप के द्वारा भूकंप के आने के कई घंटे पहले इसका पता
लगाया जा सकता है। ये शोध किया है फ्रांस की भूविज्ञानी क्वेंटिन ब्लेचरी और उनके सहयोगी जीन मैथ्यू नाक्वेट ने, जिन्होंने रेनो में यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा द्वारा सहेजे गए डेटा सेट का अध्ययन किया। दुनिया भर में स्थित स्टेशन अपनी जीपीएस की स्थिति को हर 5 मिनट में रिकॉर्ड करते हैं। इसके जरिए वैज्ञानिक जरा सी हलचल का भी पता लगा सकते हैं। इसी कड़ी में 7 या उससे अधिक तीव्रता वाले भूकंपों के ज्ञात स्थानों के आसपास स्थित जीपीएस स्टेशनों से अलग हटकर ब्लेचरी और नाक्वेट ने उन स्टेशनों की दर्ज की गई स्थितियों और वे कैसे संबंधित भूकंप से पहले 48 घंटे के भीतर बदल गई, इस बात का अध्ययन किया। उन्होंने इस बात की गणना की कि वास्तविक गति उस गति से कितनी अच्छी तरह से मेल खाती है जिसकी उन्हें हर भूकंप के कारण अपेक्षा थी। शोधकर्ताओं ने पाया कि भूकंप से 2 घंटे पहले जमीन की गति अपेक्षित गति के अलाइन यानी कि संरेखित होने लगती है। जैसे जैसे भूकंप का समय नजदीक आता गया, ये संरेखण तीव्र होता गया। हालांकि ये पैटर्न तब नहीं मिला जब शोधकर्ताओं ने ऐसे 2 घंटों का परीक्षण उस जगह का किया जिनमें ज्यादातर भूकंप नहीं थे। उन अंतिम 2 घंटों में होने वाली हलचल में वे पूर्ववर्ती संकेत शामिल हो सकते हैं जिसकी भूकंप विज्ञानी लंबे समय से तलाश कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ अभी भूकंप की भविष्यवाणी करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि फिलहाल इस्तेमाल होने वाले उपकरण हलचल का पता लगाने में उतने कारगर नहीं है। ब्लेचरी का मानना है कि इसके लिए उपकरणों को 50 गुना अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है, लेकिन फिर भी ये अध्ययन इस दिशा में एक नई खोज है जिसमें दुनिया भर के भूवैज्ञानिक रुचि ले सकते हैं। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। आईआईटी भिलाई के शोधकर्ताओं ने फोटोवोल्टिक एप्लीकेशन के लिए एक अनोखा सेल्फ हीलिंग पॉलीमरिक कोटिंग मटेरियल विकसित किया है। इस सेल्फ हीलिंग कोटिंग मटेरियल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये सोलर सेल्स में मौजूद दरारों को केवल 5 मिनट में ठीक कर सकता है। ये मटेरियल एक पॉलीमर है जिसे वाटर टॉलरेंट मेथड द्वारा विकसित किया गया है। इस पॉलीमर में दरारों को स्वतंत्र रूप से भरने की उल्लेखनीय क्षमता होती है। शोधकर्ताओं के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने एक विशाल आकाशगंगा के पहले प्रमाण की खोज की है जिसमें बहुत कम या फिर कोई ब्लैक मैटर नहीं है। इस आकाशगंगा की मौजूदगी वर्तमान मानक मॉडल पर सवाल उठाती है जिसके द्वारा खगोल विज्ञानी ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है इसको समझते हैं। डार्क मैटर के बारे में खगोल विज्ञानियों का मानना है कि ये ब्रह्मांड के सभी पदार्थों का लगभग 85% हिस्सा है। ब्लैक मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, प्रकाश और रेडियो तरंगों से किसी भी तरह से इंटरैक्ट नहीं करता है और साथ ही ये विकिरण को अवशोषित, उत्सर्जित या प्रतिबिंबित नहीं करता, जिससे इनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। फिलहाल बिना या फिर थोड़े बहुत डार्क मैटर वाली खोजी गई आकाशगंगा को NGC-1277 नाम दिया गया है। इसे रेलिक गैलेक्सी कहा जा रहा है जिसका अर्थ है एक ऐसी आकाशगंगा जो अपने पड़ोसियों के साथ कोई संपर्क नहीं दिखाती है। प्रसिद्ध गणितज्ञ और वैज्ञानिक डॉक्टर मंगला नार्लिकर का 17 जुलाई को पुणे में निधन हो गया। वे 80 वर्ष की थीं। डॉक्टर मंगला नार्लिकर का जन्म 17 मई 1943 को हुआ था। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा हासिल की थी। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई के स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में शोध छात्र और रिसर्च एसोसिएट के रूप में कार्य किया। साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में भी गणित पढ़ाया। डॉक्टर मंगला नार्लिकर ने एडवांस मैथमेटिक्स पर कार्य किया और वो बच्चों को गणित को सरल भाषा में समझाने में माहिर थी। उन्होंने अंग्रेजी और मराठी भाषा में कई पुस्तकें लिखी हैं। डॉक्टर मंगला नार्लिकर प्रसिद्ध खगोल भौतिकविद डॉक्टर जयंत नार्लिकर की पत्नी थी। इतिहास के पन्नों में दर्ज वैज्ञानिक उपलब्धियों को जानने के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान का स्पेशल सेगमेंट हिस्ट्री ऑफ साइंस। पच्चीस जुलाई 1978 को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन गर्भाधारण द्वारा दुनिया की पहली संतान लुईस जॉय ब्राउन का जन्म ओल्डहैम और मैनचेस्टर इंग्लैंड के डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल में हुआ था। लुईस के माता पिता लेस्ली और पीटर ब्राउन थे। आज IVF तकनीक को इनफर्टिलिटी यानी बांझपन के लिए मुख्य चिकित्सा उपचार के रूप में जाना जाता है।
25 जुलाई 1984 को स्वेतलाना साविट्स्काया स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने 3 घंटे और 35 मिनट तक सैल्यूट 7 स्पेस स्टेशन के बाहर अतिरिक्त वाहन गतिविधि का संचालन किया। इस दौरान उन्होंने अपने सहयोगी व्लादिमीर दानीबेकोव के साथ अंतरिक्ष में धातु को काटा और उसकी वेल्डिंग की। अट्ठाईस जुलाई 1851 को पूर्ण सूर्य ग्रहण की पहली तस्वीर जूलियस फ्रेडरिक बर्कोस्की द्वारा ली गई थी। ये एक डग्यूरियो टाइप तस्वीर थी जो कि कोनिग्सबर्ग में रॉयल ऑब्जर्वेटरी के प्राइम व्यूइंग पॉइंट से ली गई थी। उनतीस जुलाई 1876 को डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार द्वारा कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की गई थी। IACS भारत का सबसे पुराना संस्थान है जो बुनियादी विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में फंडामेंटल रिसर्च के लिए समर्पित है। इकतीस जुलाई 1971 को डेविड स्कॉट और जेम्स इरविन पृथ्वी से अलग दुनिया की सतह पर गाड़ी चलाने वाले पहले इंसान बने। अपोलो 15 के अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा की सतह पर 18.5 घंटे बिताए और उन्होंने ल्यूनर रोवर व्हीकल यानी कि LVR का इस्तेमाल करते हुए 17 मील की दूरी तय की। तो आज के अंक में बस इतना ही। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।